हाय गाइज, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइज? आज हम लोग देखने वाले हैं मीमर मिलाटी चैनल से, हम दोगला बाबा हैं। मतलब हम नहीं, ये जो इसमें कह रहा है ये टाइटल है, ठीक है। बिहारी बाबा वायरल इंटरव्यू, बिहारी बाबा सैवेज इंटरव्यू, तिगलवा बाबा, ये कौन सा बाबा है भाई? स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, इसे दिल फेफड़े गुर्दों पे नाले और हेडफोन लगा लीजिए, एक दो गाली के बाद मिल जाएंगे। चलता हूँ, आएगा, चलो स्टार्ट। आज हमारा साथ में बानी तेगलवा बाबा। क्या तब तेगलवा बाबा से हमनी के बातचीत करम सन? बाबा तेगलवा नाम रहा और केंगा पड़ गई, गाली है एगो दोगला तेगला। हम जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तीन गो आंख है तो दो तेगलवा बाबा, हमको दो गो आंख है तो दो गालवा बाबा। ये लॉजिक कहां से आया? डोंट टच मी, नो परमिशन। बिना टेर किए हुए घी नहीं निकलेगा। सही बात है, इसलिए जहां जैसा ना तहां तैसा ना कर तो मरत कैसा। डोंट टच मी, नो परमिशन। क्या एक्टिंग कर रहा है? ये आप खेल करते हैं, ये ड्रामा? हाँ, करते हैं। हाँ, हर आदमी खेल करके फिर आउट हो जाएगा। डोंट। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आप भभूत देते हैं, औरतों का बच्चा पैदा करते हैं। ऐसे कैसे? अरे चूता समझेगा? जी नो, तू चुपचाप रहो, सिट डाउन, ये दे रहा, डोंट टच मी, नो परमिशन। क्या पागल है क्या? इसका तकिया कलाम है। जंपिंग वाले बाबा, आपका साइकिल जंपिंग का है, करता है? दिल्ली से मंगाया गया। यार जंपिंग वाले बाबा, डबल सॉकर लगाया गया है। डोंट टच मी, सिट डाउन। ऐसा नहीं ना कि आसाराम के जैसा अभी अपना no. खेला करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है का। आप अभी पता नहीं चला है आप कौन कौन सा कांड कर रहे हैं? आप कोई कांड भी करते हैं आसाराम के जैसे? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आसाराम के बारे में सुने हैं? आसाराम के बारे में सुने हैं? आसाराम आउट तो आउट में है, जेल में पोई पाई करता है। अब बाबा रहीम भी पोई पाई करता है। डोंट टच मी, नरेंद्र मोदी, सी डाउन। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, इस शायरी वरी बोलिए ना, कोई शायरी है को? आइए देखते हैं, दर्शन मजा आएगा। बाबा और शायरी शेलवा, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं मोहब्बत, एक से होती है हजारों से नहीं। डोंट टच मी, नो परमिशन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। डोंट टच मी, नो परमिशन। अबे क्या है ये, मतलब तकिया कलाम बना लिया अपना हर बात के बाद में। डोंट टच मी, नो परमिशन, डोंट टच मी, नो परमिशन। अरे कि मतलब हद है यार ये। आजकल पता है क्या होता है, जिनको भी फ्री में खाना चाहिए होता है ना, कि बस कुछ काम धंधा ना करना पड़े, बस फ्री में हमें खाना मिल जाए, है ना, और दारू के लिए दो चार पैसे मिल जाएं बस। तो ये ऐसे ही ऐसे चोगा पहन के, हरा लाल चोगा पहन के, और उसके बाद निकल जाते हैं, ठीक है। बस जगह जगह जाके बच्चा तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, बिटिया तुम्हारा पति तुम्हें बहुत मारता है, बिटिया तुम पिछले जन्म में मच्छर थी। मतलब ऐसी ऐसी फालतू की बातें बोल बोल के, ठीक है, लोगों के अंधविश्वास का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, ठीक है। जगह जगह अपना जाके तमाशा बनवाते हैं, मजाक बनवाते हैं, ठीक, उसी से इन्हें पैसा मिलता है और उसी से ये अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। चाहिए क्या, एक साइकिल है उसी पे मतलब ढहचू ढहचू करते हुए जा रहे हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं, कहीं भी ऐसे तमाशा दिखाने लगते हैं। नो परमिशन, डोंट टच मी, नो परमिशन, डोंट टच मी, नो परमिशन। अरे इसे देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। मतलब हद है भाई, क्या आदमी हो तुम, हैं? मतलब कौन अपना नाम गाली पर अपना नाम कौन रखता है, हैं? गाली पे दोगलवा तेगलवा, ये गाली पे अपना नाम कौन रखता है भाई? जो जैसा, और लॉजिक क्या दे रहे हैं, जिसका तीन आँख है उसका तेगलवा, जिसका दो आँख है उसका दोगलवा। वह बावली भेड़। मतलब ऐसे ऐसे नमूने लोग पड़े हुए हैं ना हमारे ही आसपास, जरा घर से बाहर निकल के देखो, हमारे ही आसपास ऐसे लोग हैं कि जिनको देखकर भाई हंसते हंसते पेट फूल जाए, और दूसरी बात कि हाँ उनको देख के ये भी समझ में आए कि भैया सतर्क रहें, सावधान रहें।
ठीक है, अपने आसपास वालों से। और ए भगवान, पूरा पक्का पता चल गया कि भैया ये आशाराम का ही भक्त है, ठीक है, उसी का भक्त है और उसी की राह पर, वही मौज मस्ती वाली राह पर चल रहा है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे किसी के भी धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती, ठीक है, लेकिन ऐसे ढोंगी और पाखंडी बाबाओं के चक्कर में आने से अच्छा है कि आप अपना काम धंधे पर ध्यान दें, वो ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।